पे, मैं उस पर इंद्र सिंह रावत कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कि किसी भी टूर्नामेंट्स या चैंपियनशिप्स में कैसे पार्ट लें, क्योंकि जब भी खिलाड़ी मार्शल आर्ट सीखता है तो उसका एम होता है कि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना और नाम कमाना, नेम और फेम सभी कमाना चाहते हैं। और कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका सपना ही होता है अपने राज्य के लिए खेलना, अपने देश के लिए खेलना, नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और किस में ना करें, और अगर हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा अपने कराटे एंड मार्शल आर्ट्स की। जब भी दो खिलाड़ी तैयारी करते हैं टूर्नामेंट्स की, चैंपियनशिप्स की, तो वो दोनों जीतने की कोशिश करते हैं, अपना आपस में जो खेलते हैं तो अपना अपना जो बेस्ट होता है वो वहाँ परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद कुछ ही सेकेंडों का या कुछ ही मिनटों का वो गेम होता है, और उसमें जो अच्छा खेलता है, जो ज़्यादा पॉइंट निकालता है, वो खिलाड़ी जीत जाता है। हालांकि तैयारी करके दोनों ही आते हैं, दोनों ही ग्रुप जी जान से अपना बेस्ट होकर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर उसमें जीत उसी की होती है जो टेक्निकली और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट जो है वो स्पीड का गेम है, टेक्निक का गेम है, और इसमें पलक झपकते ही बाजी पलट जाती है। तो अभी मैं बात करता हूँ टूर्नामेंट्स की, टूर्नामेंट्स या चैंपियनशिप की। तो ये दो तरह के टूर्नामेंट होते हैं, एक होते हैं ओपन टूर्नामेंट और एक होते हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट। ओपन टूर्नामेंट जो होते हैं उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर सकती है, और इस ये साल में कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20, ये कितने भी हो सकते हैं। इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उनकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ओपोनेंट्स जो होते हैं उनके साथ उसको खेलने का मौका मिलता है। तो ओपन टूर्नामेंट्स हो गए, इन्विटेशनल होते हैं वो हो गए, इसके अलावा कप होते हैं, जैसे आपका मेवा कप हो गया, ये कप हो गया, वो कप हो गया, इस टाइप के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं, और ये बड़े बड़े लेवल के भी होते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, और स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए ऑफिशियल टूर्नामेंट की, तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में आपके जो आपकी नेशनल फेडरेशन है वही ऑर्गेनाइज करती है, और साथ में एक ही नेशनल होता है, एंड वो जो आपकी नेशनल फेडरेशन है वो स्टेट सेक्रेटरी को इसका सारा इंफॉर्मेशन जो होता है, डिटेल्स होता है, वो फॉरवर्ड करती है। स्टेट सेक्रेटरी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होता है वो सारे कोचेस को फॉरवर्ड करता है। तो टूर्नामेंट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी सारी डिटेल आप अपने कोच से ले सकते हैं, उनके पास सारी डिटेल्स आ जाती है। अब जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट हो गया, स्टेट के बाद फिर नेशनल खेला जाता है, जो कि साल में एक बार होता है। अब बात करते हैं ओपन टूर्नामेंट्स की, तो ओपन टूर्नामेंट्स कराटे में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, दो स्टाइल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, अपने अपने स्टाइल का, स्टेट होता है, नेशनल होता है, नॉर्थ इंडिया होता है, इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है। सब टाइम क्या होता है, ओपन टूर्नामेंट्स में जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं उन्हीं से सिलेक्शन करके फिर नेशनल की तैयारी कराई जाती है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे उनका जो परफॉर्मेंस है वो चेक करके सिलेक्शन करा के फिर उनको नेशनल के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ने भी कभी भी कोई भी टूर्नामेंट ना खेला हो और डायरेक्ट जाके वो नेशनल खेल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स है उसमें नहीं खेल पाएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद अपने जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आप अपने आप को परखो कि आप कितने पानी में हो, कितना आप अच्छा खेल सकते हो, क्या रूल्स होते हैं, रूल्स की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, और टेक्निक्स आपकी शार्प होनी चाहिए, और टेक्निक्स आप जब होगी जब आप बार बार रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करोगे, बॉडी के अंदर स्टैमिना, फ्लेक्सीबिलिटी और स्पीड होनी चाहिए, तभी कहते हैं आप मार्शल आर्ट में कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ओपन टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनमें आपके स्कूल गेम्स आते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स आते हैं, और जो नेशनल फेडरेशन ऑर्गेनाइज कराती है वो आते हैं। बाकी ओपन टूर्नामेंट्स में भी जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है, बेस्ट फाइटर अवार्ड मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, मेडल सर्टिफिकेट मिलता है, और भी बहुत कुछ मिलता है आपका। जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं उसमें रैंकिंग का सिस्टम होता है अपना, प्लेयर्स की रैंक जो होती है वो मिलता है अपना, और आगे भी खेलने का प्रैक्टिस मौका देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मार्शल आर्ट्स, फिटनेस और कराटे से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो आपको मिल सके। तो आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।